नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नोएडा में सुपर टेक ट्विन टावर को गिराए जाने से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, अब से थोड़ी देर बाद ट्विन टावर को गिराने के लिए टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा और टेस्ट ब्लास्ट से पहले आसपास के इलाके को खाली किया गया है। आज हालांकि टेस्ट ब्लास्ट है, 22 मई को इन दोनों इमारतों को जमींदोज किया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि इन इमारतों को गिराने में महज 9 सेकंड का वक्त लगेगा और 9 सेकंड के अंदर ही सुपर टेक के ये दोनों ट्विन टावर जमींदोज हो जाएंगे। ट्रायल टेस्ट के लिए आज का दिन चुना गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे इस इलाके में तैयारियां चल रही हैं और इसको लेकर हमारे 3 संवाददाता कुमार सोनू, इसके अलावा गोनिका अरोड़ा और साथ ही जतिन शर्मा इस वक्त पहुंचे हुए हैं ठीक ट्विन टावर के पास। हम गोनिका के पास चलते हैं। सबसे पहले गोनिका, फिलहाल आपको क्या तस्वीरें नजर आ रही है वहां से? बिल्कुल अमित, सिर्फ 2 मिनट का वक्त है उस ऐतिहासिक पल के लिए, क्योंकि भारत में ये दूसरी इमारत होगी जो इस तरीके से डिमोलिश होगी और डिमोलिश से पहले का ये टेस्ट ब्लास्ट है। हालांकि आज सिर्फ टेस्ट ब्लास्ट होगा, आज सिर्फ ये देखा जाएगा कि आखिर इस ब्लास्ट जो 22 मई को ब्लास्ट किया जाना है उसमें कितने एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज सिर्फ 5 किलो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उस दिन कई हजार किलो एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल होगा जो कि इस पूरी बिल्डिंग को, इस 32 मंजिला इमारत को डिमोलिश करने में किया जाएगा। और हमने क्योंकि आपको सीधी तस्वीर ही दिखा रखी है, क्योंकि अब से सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बाद जब ये बटन दबाया जाएगा, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त एडिफिस इंजीनियरिंग की तरफ से बताया गया है कि 2:30 बजे एग्जैक्ट 2:30 बजे ये बटन दबाया जाएगा और जो 13वां फ्लोर है लेफ्ट बिल्डिंग का और राइट बिल्डिंग के बेसमेंट में, यानी कि ये दोनों बिल्डिंग्स के एक एक फ्लोर पर ये जो एक्सप्लोजिव है उनको सेट किया गया है, छोटे छोटे होल्स में अलग अलग क्वांटिटी के एक्सप्लोजिव को लगाया गया है और जैसे ही जो बटन एक्सप्लोड करने के लिए दबाया जाएगा तो एक धमाका सुनाई देगा। हालांकि मलबा नहीं उड़ेगा, मलबा आज ये कहा गया है कि नहीं उड़ेगा, लेकिन अगर मलबा उड़ता भी है तो आसपास की बिल्डिंग्स को एहतियात के तौर पर इस तरीके से ग्रीन कर्टन से कवर किया गया है और लोगों से खास तौर पर ये एहतियात के तौर पर कहा गया था कि 2:15 से 3:15 बजे के बीच में ना ही कोई बिल्डिंग के बाहर निकले, ना ही कोई बालकनी में खड़ा हो, क्योंकि अगर मलबा उड़ता भी है तो लोगों को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। और अभी हमारे साथ जतिन भी जुड़े हुए हैं एक दूसरी लोकेशन से, जो आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर वहां से किस तरीके की तस्वीर है। जतिन, बताइए कि आपको क्या तस्वीर दिख रही है इस वक्त? जो देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे ठीक पीछे ये ट्विन टावर आप देख रहे हैं, जो सबसे ऊंचा आपको दिखेगा वो 103 मीटर का। और अभी धमाके की भी आवाज सुनाई दी गई है, क्योंकि 2:30 बजे होना था, अभी एक धमाका वहां पर हुआ है। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप देखेंगे ट्विन टावर के ठीक बगल में सुपर टेक का दूसरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और सिर्फ 9 मीटर की दूरी है। अभी यहाँ पर एक धमाका हुआ है, क्योंकि बेसमेंट B1 में 5 धमाके और 13वें फ्लोर पर एक धमाका यहाँ पर होना है। हालांकि पहले ही जो प्राइवेट कंपनी इस पूरी इमारत को ढहाने का काम कर रही है, उसका कहना था कि मलबा जैसी चीजें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि जो पिलर्स को टारगेट किया गया है वो बहुत अंदर पिलर है और उन्हीं पिलर्स को अभी डैमेज किया गया और उससे ये पता लग गया कि 22 मई को जब इस बिल्डिंग को गिराने का काम किया जाएगा तो कितना एक्सप्लोजन। जी जतिन, मैं आपको रोकना चाहूंगी जरा, क्योंकि अभी बहुत ही तेज धमाका सुनाई दिया, जैसे कि बादलों के गरजने की आवाज होती है, ऐसी आवाज अभी इस सुपरटेक ट्विन टावर की बिल्डिंग से सुनाई दी है। 2:30 बजे का पूरा ये वक्त था और 2:30 बजे ही बटन दबाते ही ये धमाका हुआ है। हालांकि किसी भी तरीके की कोई धूल मलबा इस वक्त इस बिल्डिंग से उड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसे ही जेट डिमोलिशन एडिफिस इंजीनियरिंग की तरफ से कहा गया था कि किसी भी तरीके का कोई भी मलबा आज नहीं गिरेगा, आज सिर्फ और सिर्फ धमाका करके ये देखा जाएगा कि कितना इम्पैक्ट आसपास के एरिया में और जो गैस पाइपलाइन आसपास की दोनों बिल्डिंग्स की है उनमें किस तरीके का इम्पैक्ट होता है। वो इम्पैक्ट अभी पूरा एनालिसिस उसका किया जाएगा, एक रिपोर्ट बकायदा तैयार की जाएगी और वो रिपोर्ट उसके बाद देखा जाएगा कि कितना एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल 22 मई को होना है। कुमार सोनू भी इस वक्त हमारे साथ है। कुमार, आपने भी ये धमाका सुना होगा, क्या तस्वीर आपकी तरफ से दिख रही है? देखिए बिल्कुल धमाका हो गया है, 2:30 बजे रिमोट दबा से बटन दबाया गया और वैसे ही ब्लास्ट हुआ। हालांकि सिर्फ आवाज सुनाई दी, इसके अलावा कोई भी इफेक्ट बाहर देखने को नहीं मिला और ये एक टेस्ट ट्रायल था जिसमें मुझे लगता है कि कंपनी को कामयाबी मिली। फिलहाल अब जो कंपनी की टीम है, जो जिसके पास जिम्मा है इस पूरी बिल्डिंग को डेमोलिश करने का, वो टीम अंदर जाएगी, एनालिस करेगी कि आखिर किस हॉल में जो है कितना ग्राम जो विस्फोटक है वो रखा गया था और उससे कितना डैमेज हुई है बिल्डिंग, उसके हिसाब से एक अंदाजा लगाया
जाएगा, एक आइडिया लगाकर 22 तारीख के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसके बाद वहां पर पूरा एक बड़ी तादाद में विस्फोटक रखा जाएगा और उस विस्फोटक को की मात्रा तय करने के लिए ये टेस्ट ट्रायल किया गया था। और साथ ही साथ 3 सेंसर भी जो है लगाए गए थे, आसपास की 2 इमारतों पर लगाए गए थे और एक पास में ही गैस पाइपलाइन जा रही है उस पर लगाया गया था, ताकि ये देखा जा सके कि वाइब्रेशन जो है उसकी तीव्रता कितनी है। फिलहाल आप देखें कि तमाम टीमें जो हैं बाहर थी, अब तमाम जो अधिकारी हैं एडिफाइस के, जेट के और खासतौर पर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त बाहर थे और आईआईटी चेन्नई से भी एक एक्सपर्ट की टीम आई हुई थी। फिलहाल अब वो अंदर जाएगी, एनालिस करेगी, जिसके बाद ये तय होगा कि 22 तारीख को कितना विस्फोटक लगाना है, किस किस जगह पर लगाना है, वो जगह तय की जाएगी। हालांकि जो हमारे पास खबर है वो ये है कि 2-2 और 3-3 फ्लोर छोड़कर जो है विस्फोटक लगाया जाएगा, ताकि बिल्डिंग बिल्कुल नीचे आए, किसी भी तरीके से आसपास की बिल्डिंग को डैमेज ना करे। हालांकि आज टेस्ट बिल्कुल तो आज जो है टेस्ट ट्रायल रन ये कंप्लीट हो गया है। फिलहाल गौनिका, आपके पास और क्या कुछ जानकारी आई, क्या कुछ एडिफाइस से आपकी बात हो पाई? जी बिल्कुल, अभी कुमार सोनू, क्योंकि एडिफाइस के इंजीनियरिंग के तमाम जो इंजीनियर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस वक्त बिल्डिंग से कुछ दूरी पर मौजूद है। अभी उनकी टीम अंदर जाएगी, एनालिसिस करेगी उस फ्लोर का जहां जहां ये आज एक्सप्लोजिव लगाए गए हैं, एक फ्लोर एक टावर के बेसमेंट में और दूसरे टावर के 13वें फ्लोर पर जाकर देखा जाएगा कि जो कामयाबी वो हासिल करना चाह रहे थे 5 किलो एक्सप्लोजिव लगाकर, क्या वो कामयाबी उन्हें मिली है। और ये रेकी पिछले कई दिनों से हो रही है, आज एक्सप्लोजिव पहुंचे सुबह यहां पर और ऐसी ही रेकी 22 मई से 15 दिन पहले यानी कि लगभग 7-8 मई से शुरू हो जाएगी। 7-8 मई से टीम यहां पर आना शुरू हो जाएंगी। पहले ये रिपोर्ट को देखा जाएगा कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे प्लानिंग करनी है और उसके बाद उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में लगभग 15 दिन का वक्त लगेगा। यानी कि 7-8 मई से टीम यहां पर आना शुरू हो जाएंगी, हर फ्लोर पर जाकर देखेंगे कि कैसे कैसे एक्सप्लोजिव लगाना है और कितनी कितनी क्वांटिटी में लगाना है। जतिन, आपने वो धमाके की आवाज सुनी, क्या आपकी तरफ किसी भी तरीके का कोई मलबा या डेब्रिस दिखाई दिए हैं, क्या कोई धूल उड़ती दिखाई दी है? क्योंकि एक बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजन इस वक्त यहाँ पर हुआ है, लेकिन वो टेस्ट एक्सप्लोजन है। जी देखिए, धमाके की आवाज यहाँ तक सुनाई दी और मेरी जो दूरी है यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी है ट्विन टावर और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ एक फ्लाईओवर के ऊपर, तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी है और धमाके की आवाज यहाँ तक सुनाई दी है। 5 किलो जो विस्फोटक है वो इस धमाके के अंदर इस्तेमाल किया गया है और ठीक सामने ट्विन टावर की जो सबसे ऊंची इमारत है, 103 मीटर की पूरी इमारत है और इसी के अंदर ही वो जो विस्फोटक है उसका इस्तेमाल किया गया। हालांकि अभी टीम कुछ ही देर में अंदर जाएगी और मॉनिटर करेगी कि 22 मई को जब इस पूरी बिल्डिंग को गिराया जाएगा उस समय कितना और विस्फोटक का इस्तेमाल यहां पर करना होगा। लेकिन यहां से आपको तस्वीर अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कितना चैलेंजिंग है इस इमारत को गिराना, क्योंकि जिस जगह पर ये ट्विन टावर बना हुआ है उसके ठीक बगल में 9 मीटर की दूरी पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जहां पर फैमिलीज रहती हैं, लोग रहते हैं और आप देखेंगे हरे पर्दे के जरिए उसको कवर किया गया कि अगर धमाके से कोई मलबा या किसी तरीके का धुआं निकलता है तो लोगों के घर तक ना पहुंचे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती 22 मई को भी होगी जब इस पूरी इमारत को गिराया जाएगा। और दोनों तरफ देखिए आप, एटीएस एक तरफ देखिएगा, एक तरफ सुपरटेक की इमारत है जहां पर हजारों फैमिलीज यहां पर रह रही है और प्रिकॉशन के तौर पर आज तमाम तैयारियां यहां पर की गई थी। हरे कलर के जो कर्टेंस है वो यहां पर लगाए गए हैं कि अगर किसी स्थिति में भी मलबा बाहर निकलता है, क्योंकि विस्फोटक हो रहा है और सेंसर्स लगाए गए हैं आईजीएल की पाइपलाइन पर, सेंसर्स लगाए गए हैं ताकि वाइब्रेशन का पता लग सके कि 5 किलो विस्फोटक में कितना वाइब्रेशन हुआ और जब इस बिल्डिंग को गिराने में और विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा तो उस समय कितना वाइब्रेशन होगा। क्योंकि सुबह जब हमारी अधिकारियों से बात हुई थी तो उनका यह कहना था कि पूरे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अभी लोग अंदर है क्योंकि विस्फोटक कम इस्तेमाल किया गया, उस समय लोगों को भी यहां से इवैक्यूएट करने की जो प्रोसेस है वो भी किया जाएगा, लेकिन लोगों को भी साफ हिदायत दी गई थी कि वो अपने घरों के बाहर ना निकले, बालकनी तक में ना आए, जिसके लिए प्रशासन, यूपी पुलिस और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी यहां पर डिप्लॉयड थे, किसी को भी बाहर आने की परमिशन नहीं थी। लेकिन धमाका इतनी तेज था कि दूर तक हमें सुनाई दिया है और हालांकि किसी तरीके का मलबा भी नहीं निकला, क्योंकि अधिकारियों का कहना था कि जिन पिलर्स को टारगेट किया गया है चाहे वो बेसमेंट के हो या 13वें फ्लोर पर, वो काफी अंदर है। अभी टीम जब अंदर जाएगी और मॉनिटर करेगी, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि इस विस्फोटक में इन पिलर्स पे इतना डैमेज हुआ है, अगर और विस्फोटक कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे ताकि आसपास के रिहायशी इलाकों में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फासला बहुत कम है, महज 9 मीटर का फासला है। जतिन, मैं आपको कुछ देर रोकना चाहूंगी। जी जतिन, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि जो इंजीनियर्स वहां पर मौजूद हैं उन्होंने क्या सिचुएशन अभी वहां पर एनालिसिस की है, क्या उनका कहना है वो आपको सुनवाते हैं।
से बेसमेंट B1 में था और 13 फ्लोर पे था। सर कितना कामयाब रहा ये पूरा टेस्ट ट्रायल? सर अभी वो एग्जैक्टली हम नीचे जाके आपको बता पाएंगे। जैसे ऑल क्लियर साइड डिक्लेयर होगी वी गो डाउन एज अ लेमैन वी विल हैव टू गो डाउन वंस अ टेक्निकल टीम गिव्स अस क्लियरेंस फिर आपको हम लोग वापस बाहर आएंगे विल गिव यू एनालाइज किया जाएगा कि कितना वो तो उसको टाइम लगेगा वो 5 मिनट का एक मिनट मैडम बोल दीजिए ना जी सर सो एनालिसिस को टाइम लगेगा इट विल टेक अ वीक्स टाइम वो आज पूरे दिन उधर रहेंगे जो टेक्निकल गाइज है दे देयर होल डे कल का दिन भी रहेंगे और फिर वी विल गो बैक टू ऑफिस सिट एंड एनालाइज क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव्स रैप्स सब बाहर आएगा ऑलमोस्ट 10 दिन निकल जाएगा ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। एयर का प्रेशर भी होगा 22 तारीख को जब ये डेमोलिश होगी बिल्डिंग उसको कंट्रोल करने के लिए किस एयर प्रेशर कैसे कंट्रोल हो सकता है आप बताइए मुझे मैं पूछ रहा हूं उसके लिए नहीं, हो ही नहीं सकता नहीं, नहीं। इससे तो डस्ट वही डस्ट क्रिएट करेगा सर जब ये दो स्लैब एक दूसरे पे घिरेंगे तो जो वैक्यूम रहेगा वो एयर को बाहर फेंकेगा तो वही डस्ट क्रिएट करता है। गैस गैस पाइपलाइन भी है गैस पाइपलाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऑलरेडी आज भी उस पर मॉनिटरिंग किया हुआ है आज के ब्लास्ट पे भी गैस पाइपलाइन पे मॉनिटरिंग हुआ है 4 पॉइंट्स पे हुआ है ATS साइड हुआ है एमरल्ड साइड पे रखा है सो वो मॉनिटरिंग भी हम अभी देख लेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा। आसपास की इमारतों को भी इवैक्यूएट किया जाएगा वहां से भी लोगों को निकाला जाएगा जिस दिन ब्लास्ट होगा 100% उस डस्ट से निपटने के लिए फिर क्या कुछ तैयारी रहेगी 22 मई? डस्ट का कोई सोल्यूशन नहीं है डस्ट आएगा ही बिकॉज ये इतना इंस्टेंटेनियस एक्टिविटी है कि 2 सेकंड में एक डस्ट का इतना बड़ा क्लाउड आ जाएगा एक तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक और पॉइंट है जिसमें ये कहा जा रहा है जो आसपास के फ्लैट वाले लोग हैं फ्लैट के ओनर हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद उनका जो है इंश्योरेंस वगैरह भी जो है कंपनी या सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। हम कर रहे हैं जी ये हम करने वाले हैं ये हमारी खुद की डिटेल बता दीजिए उसकी नहीं डिटेल अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है क्योंकि ये ब्लास्ट के 15 दिन पहले ही ये निकलेगा इंश्योरेंस। हम लोग ऑलरेडी 3 कंपनी से बात कर रहे हैं नेशनल इंश्योरेंस न्यू इंडिया इंश्योरेंस और टाटा AIG सो 3 में से 1 जन को हम फाइनल करेंगे बिकॉज वी आर राइट नाउ टेक्निकली उनको जी बिल्कुल अभी यहाँ पर अब की तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि इंजीनियर्स अब अंदर तो जाएंगे एनालिसिस करेंगे लेकिन सुपर टेक ट्विन टावर की इस वक्त की तस्वीर ताजा तस्वीर जब कुछ मिनट पहले यहाँ पर ब्लास्ट किया गया टेस्ट ब्लास्ट क्योंकि आसपास के लोगों में काफी उत्सुकता थी डर भी था कि अगर आज ये ब्लास्ट कामयाब नहीं हुआ तो आसपास के लोगों को क्या नुकसान होगा लेकिन क्योंकि ये कंपनी जेट डिमोलिशन कंपनी पहले भी कई तरह के इस तरीके के डिमोलिशन के प्रोसेस को अंजाम दे चुकी है 108 मीटर लंबी इमारत को डिमोलिशन किया गया था और ये इमारत 103 मीटर लंबी है 32 फ्लोर की इमारत है और भारत में ये दूसरी इमारत है लेकिन भारत की सबसे लंबी इमारत है जिसका डिमोलिशन होगा और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था क्योंकि ऑर्डर काफी लंबे समय से लटक रहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था उसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया सुपरटेक की तरफ से लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि इस तरीके की इमारत नहीं बन सकती क्योंकि एक नियम होता है दो टावर्स के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है लेकिन जैसे ही सामने दिख रहा है कि इन दोनों टावर्स के बीच में लंबी ये इमारत है 32 फ्लोर की इमारत है और इसे और लंबा किया जाना था लेकिन बीच में डिस्टेंस नहीं है पैसेज बनाया गया यानी कि अगर इमरजेंसी सिचुएशंस होती तो इस टावर्स में रहने वाले लोगों को कितनी मुश्किल होती और यही वजह थी कि ये टावर ट्विन टावर हमेशा से विवाद में रहा और विवाद के बाद कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया और बार बार कोर्ट ने यह कहा कि इस इमारत को जल्द से जल्द डिमोलिश करने का काम किया जाए जिसके बाद से इसकी पूरी प्लानिंग पिछले कई महीनों से चल रही थी और आज इस प्लानिंग का एक डेमो दिखाया गया है लेकिन जब ये ब्लास्ट होगा जब ये डिमोलिशन फाइनल डिमोलिशन होगा 22 मई को तब ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि जब ये इमारत के अल्टरनेटिव फ्लोर्स पर एक्सप्लोजन लगाया जाएगा तब ये पूरी इमारत वर्टिकल तरीके से नीचे भरभराती हुई गिरेगी। जतिन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जतिन क्या जानकारी अभी सामने आ रही है क्या कुछ एनालिसिस अब करने के लिए टीम्स के अंदर गई हैं और क्या उनकी तरफ से अगर सामने आएगा तो क्या जानकारी उनकी तरफ से फिलहाल दी गई है। आज देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि जो एक तरीके से टेस्ट कंडक्ट किया गया था ब्लास्ट को लेकर वो अब पूरा कर लिया गया है और टीम अब कुछ ही देर में अंदर जाएगी क्योंकि अलग कैबिनेट्स बनाए थे पिलर्स के पास मार्क करके कैबिनेट बनाए थे उस कैबिनेट में अलग अलग पिलर में अलग अलग क्षमता के हिसाब से जो विस्फोटक है वो लगाए गए थे। अब टीम अंदर जाएगी उस पूरे जो कैबिनेट बनाए गए थे उसको एनालाइज करेगी क्योंकि जो धमाका है वो हमने आधे किलोमीटर दूर तक सुना है और उसमें ये अंदाजा लगाया जाएगा कि आने वाले दिनों
दिनों में जब पूरे तरीके से पूरी रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किन पिलर्स पे कितना जो विस्फोटक है उसका इस्तेमाल करना है, उसका एनालाइज अब किया जाएगा। सुबह जब हम अधिकारियों से बात कर रहे थे तो बहुत साधारण शब्दों में जब हमने उनसे पूछा कि किस तरीके से आप इसको गिराएंगे, क्योंकि 103 मीटर ऊंची इमारत, आसपास रिहायशी दूसरी इमारतें जहां पर हजारों फैमिलीज रहती है, इस बात का भी डर है कि एक धमाके के बाद कोई मलबा दूसरी इमारत पर ना गिरे। तो उनका साफ कहना था कि जब आप मान लीजिए कि अगर मैं खड़ा हूं और मेरे नीचे से टांगे काट ली जाए तो मैं अपना वजन के साथ नीचे गिरूंगा। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे वो कि नीचे जो पिलर्स हैं उन पर कितनी क्षमता और कितने विस्फोटक के साथ ब्लास्ट किया जाएगा ताकि इमारत जो है वो अपने वजन के साथ ही नीचे की तरफ जाए, राइट और लेफ्ट की तरफ ना गिरे, इसका खासा ध्यान रखा जाएगा। और अब जब टीम अंदर जाएगी उसमें इसी बात को एनालाइज किया जाएगा कि जब विस्फोटक किया गया तो मलबा किस स्पीड के साथ नीचे गिरा है और पिलर की जो गति थी वो दाएं बाएं कितना गया, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है। और जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहा था कि जो दूसरे रिहायशी इलाके हैं वो बिल्कुल जतिन, ये तो चैलेंज है ही, एक और चैलेंज जिनके सामने ये भी है। बिल्कुल जी जतिन, आपने ये चैलेंज तो बताया कि इनके सामने ये चैलेंज है कि कितना कैस क्या ये इमारत पूरी तरीके से, जैसे ये प्लानिंग कर रहे हैं कि वर्टिकल तरीके से गिर पाएगी या नहीं, उससे पहले एक और प्लानिंग इनकी तरफ से की गई है कि क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर में मलबा सबसे बड़ा चैलेंज है, ऐसे में जो बीच की दीवारें हैं, जो आसपास की बालकनी की दीवारें हैं, बालकनी में जो रेलिंग्स लगी है, इन सारी चीजों को पहले ही मैनुअल तरीके से तोड़ा जा रहा है। लेबर को यहां पर पिछले कई दिनों से लगाया गया है और ये लेबर उस तमाम दीवारों को तोड़ रही है। और अब अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पिलर्स दिखाई देंगे, बड़े बड़े हॉल दिखाई देंगे, लेकिन जो तमाम रूम्स का स्ट्रक्चर अंदर बनाया गया था वो सारी चीजों को मैनुअल पहले तरीके से ही तोड़कर नीचे मलबे का एक ढेर बड़ा सा लगा दिया गया है। उस मलबे को फिर यहां से हटाया जाएगा और जब 22 तारीख का वो दिन होगा जब ये सारी इमारत को गिराया जाएगा तो मलबा सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पहले भी कई ऐसी वीडियो जो 108 मीटर लंबी इमारत को जब गिराया गया था तो उस इमारत में भी धुएं का गुबार, मलबे का गुबार आसपास के एरिया में फैला था, लेकिन वहां पर चैलेंज था कि 7 मीटर दूर की दूरी पर रेजिडेंशियल एरिया था और यहां पर 9 मीटर की दूरी पर है, बिल्कुल बगल में एक बिल्डिंग है। उस दिन 5 घंटे के लिए लोगों को बिल्डिंग से निकालकर कहीं और भेजा जाएगा और पूरी आसपास की इमारत यानी कि सुपरटेक एमराल्ड और ATS विलेज, इन दोनों इमारतों को खाली किया जाएगा। लोगों से स्ट्रिक्टली कहा जाएगा कि आसपास बिल्कुल भी ना हो, खासतौर पर उस वक्त, उस दिन भी 2:30 बजे का वक्त तय किया गया है और इंजीनियर ने यह कहा था कि सुबह पूजा होगी और उसके बाद 2:30 बजे जैसे आज ये ब्लास्ट किया गया टेस्ट ब्लास्ट, वैसे ही उस दिन ये ब्लास्ट किया जाएगा और उस दिन वो फाइनल ब्लास्ट होगा। आसपास के हाईवेज को बंद करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी यहाँ पर ये डिमोलिशन का प्रोसेस, अभी टेस्ट ब्लास्ट तो कर लिया गया है और अब 22 मई का इंतजार है जब फाइनल डिमोलिशन उस दिन होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।